मैं हूँ ही। आपने मुझे चिट्ठी लिखने लायक बनाया, मैं दो मिनट में चिट्ठी लिख दूंगा और स्टॉपेज के लिए मांग रख करके स्टॉपेज कराऊंगा। आप मांगिए तो हमसे, हम नहीं करेंगे पूरा, तब आप उनको कहिएगा ना। आज श्रमिकों का क्या मांग था? श्रमिकों का मांग जो था कि श्रमिक को जिस जिस सुविधा सरकार का चाहिए वो यहाँ उपलब्ध नहीं था। और मैंने अभी भाषण में भी कहा, हमारे श्रमिक आज मुझे याद किए तो मैं हाजिर हो गया हूँ और दो महीना के अंदर श्रमिकों का जो जो मूलभूत सुविधा है मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा। भागलपुर हसडिया मुकमा में 4 लाइन होने वाला है, कब से इनके काम शुरू होंगे? ये काम अगले महीने से शुरू हो जाएगा। कब मिलेंगे? देखिए हम किसी पुराने कहावत पर नहीं चलते हैं, मंडल का दर्जा जब रेल मंत्री हमारे माननीय लालू जी थे उन्होंने दिलाने का कोशिश किया और नहीं हो सका है, हम उस पर कोशिश कर रहे हैं। सभी सांसद जितने थे उन्होंने कोशिश किया, हम भी कोशिश करेंगे। बाकी जो भी चीज़ है और रेल मंडल अगर भागलपुर हो जाता है, हमारे प्रयास कितना प्रयास कर कितना कुछ किए हैं तो रेल मंडल का भी प्रयास करेंगे। अगर हो जाता है, हमें लगता है कि क्षेत्र के लोगों को खास करके रेलवे से जुड़ी समस्याओं से अविलंब उसको तुरंत निदान मिलेगा। इतना बड़ा टकानी स्टेशन है, एक भी एक्सप्रेस का यहाँ ठहराव नहीं हुआ, तो कभी हमें यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से ऐसा ज़रूरत समझ करके हमें किसी ने याद नहीं किया और मैंने इसके लिए प्रयास भी नहीं किया। अब प्रयास करेंगे हम, मुझे अगर ऐसा लगेगा कि देखिए रेलवे जो है वो हर जनता की सुविधा के लिए है। आप मांग रखिएगा, मैंने अभी अभी आपको भाषण में भी कहा अपने मंच से, हर जगह स्टॉपेज होना चाहिए। लेकिन अब अगर उसका ज़रूरत होगा रेलवे को और जनता को, तो स्टॉपेज हो जाएगा। जनता मांग करे तो स्टॉपेज होगा। पुरैनी इससे छोटा स्टेशन है सर, वहाँ स्टॉपेज है, लेकिन यहाँ टेकानी में नहीं स्टॉपेज नहीं है सर। पुरैनी छोटा स्टेशन है, टेकानी चूँकि हो सकता है लोग को पुरैनी में ही ज्यादा लोग चढ़ते हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, काफी लोगों ने प्रयास किया। मुझे तो कभी, मुझे कभी मांग भी लोगों ने रखा था यहाँ पर और हमसे कभी कोई चर्चा नहीं हुई। अगर चर्चा आज हो रही है तो मैं इसको यहाँ भी स्टॉपेज दिलाऊंगा।